वाली वीडियो में कुछ नया करने का प्रयास किया है, कोशिश की है। और गाइस, आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा किसी के ले जाना है गैंगस्टर न्यू ऑलियंस। तो गाइस यार, जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने हमारे दोस्त ईमैन की जॉब को बचा लिया था। जैक्सन न्यूयॉर्क इंडस्ट्रीज के संग एक बहुत बड़ी डील हुई थी, और जिन्होंने इस पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आकर देख लो। तो गाइस यार, हम लास्ट बार ईमैन को वहीं पर छोड़ आए थे। अब पता नहीं भाई ईमैन का क्या हुआ, घर आया कि नहीं आया, कि अभी भी काम में। अरे यार, गलती से बॉम्बे बेस्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी पता नहीं यार काम में लगा हो। तो गाइस यार, अभी हम जाने वाले हैं हमारे दोस्त ईमैन के घर। चलो गाइस यार, अभी फिलहाल हम ईमैन के घर जा ही रहे थे, और इतने में ईमैन का कॉल आया। वो कह रहा है कि तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से हमारी दी गई लोकेशन पर आ जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम हो गया है उसके साथ। ऐसा वो कह रहा है, पता नहीं कि क्या सिस्टम है। तो गाइस यार, जल्दी से यू टर्न लेते हैं और चलते हैं उसके पास। बता रहा हूँ, जिसने भी इस वक्त उसके साथ गड़बड़ की होगी उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला आज। तो जिसने भी उसके संग स्कैम किया होगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा नर्वस था हमारा दोस्त। तो गाइस यार, जल्दी से चलते हैं वहाँ पर। चलो गाइस यार, फाइनली हम ईमैन की दी गई लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं। पता नहीं यार, ईमैन ने हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर पता नहीं क्यों बुलाया है। तो गाइस यार, वो लोकेशन आने वाली है, बस आगे वाले कट से राइट लेना है। ये हम आ गए, और सामने ही ईमैन की दी गई लोकेशन है, और उसने कहा था कि अगर मैं वहाँ पर नहीं मिलूँ तो थोड़ा वेट कर लेना। तो गाइस यार, अभी फिलहाल हम थोड़ा वेट करने वाले हैं। तो गाइस यार, अभी फिलहाल यहाँ पर गाड़ी पार्क करके जरा वेट कर लेते हैं ईमैन का। चलो गाइस यार, पूरे पूरे 5 मिनट वेट करने के बाद ईमैन पता नहीं हमें कुछ कमांड देने लग गया है। तो गाइस यार, अभी फिलहाल हम इसकी कमांड सुनते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो गाइस यार, पूरी की पूरी बात मैंने ईमैन की सुन ली है, और सीन भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खराब है। तो गाइस यार, जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हमने ईमैन की जॉब को सेव कराया था, जब जैक्सन ड्यूक इंडस्ट्रीज से हमारी एक डील हुई थी, डील में उसने कहा था कि तुम वो जो गैस है वो ले आओ, फिर हम मिलके पार्टनरशिप में काम करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो आपस में दोनों बांट लिया करेंगे। लेकिन यार, यहाँ पर उसने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है, और उसे पता था कि इस गैस को ईमैन के अलावा कोई नहीं बना सकता है, इसलिए उसने ईमैन का यूज़ किया। और अब जब बारी आती है प्रॉफिट पैसे की, तो गाइस उसने साफ मना कर दिया है कि नहीं, अब उसने हमारा यूज़ करके हमें छोड़ दिया है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख ही पा रहे होगे, इस शिप एरिया में हम आए हैं, और यहाँ पर हमें उसकी जो गैसेज हैं जो बनी रखी हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, जिससे क्या होगा कि उसके और जो ईमेल है वो डेटा तो निकाल लेगा कैसे भी हैक करके उसके लैपटॉप में से, कैसे बनाते हैं। और उस गैस को भाई मैं सही बताऊँ, ईमेल के अलावा और कोई नहीं बना सकता था। तो गाइस, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बेकार सीन है, यहाँ पर कुछ स्मगलर्स हैं, उन्हें हमें मारना है। तो गाइस, उनकी पूरी पूरी गैस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उनका डेटा भी हम वो जो ईमैन है वो हैक कर लेगा। तो गाइस, उन पर कोई वो नहीं रह जाएगा कि वो। और हाँ गाइस, आप शिप एरिया में देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ से दूसरी दूसरी कंट्रीज को वो अपनी गैस सप्लाई कर रहा है, और उससे वो अकेला ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो गाइस, अब हम पारी आ चुकी है हमें खेल खेलने की। तो गाइस, ये जल्दी में जितने भी स्मगलर्स हैं सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। चलो गाइस यार, फिलहाल शिप में देखने के बाद मेरे को कुछ स्मगलर्स दिख गए हैं,
और आप सामने की तरफ देख पा रहे होगे वो गैस बहुत ज़्यादा ओपी है और यहीं से वो सप्लाई करता है दूसरी कंट्रीज़ में और अकेले ही पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जा रहा है। यानी उसने अपनी जवान फेर ली थी जब ईमैन से कहा था कि मैं तुम्हारे संग काम करूँगा, अब बार जा चुकी है इनको मारने की। तो इसमें पहले तो इन्हें गैस को भी डिस्पॉर करना है और मगलर्स हैं उनको भी मारना है। अब देखना इनको गैस चपेट करने वाले हैं, मजा आ जाएगा इनको मार के। अब एक और बंदा भाई नीचे बसता है जो कि भाई बहुत ज़्यादा श्याणा बनना है। क्या मानता है भाई तू अपने आप को, हम ईमैन के दोस्त हैं ऐसे वैसे नहीं। तो गाइस एक और बंदा बचा है उसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। चलो गाइस यार फिलहाल बारी आ चुकी नीचे उतरने की और भाई मेरे को पक्का पता ही था कि ये ऐसे ही कुछ करेगा, इसलिए हम उधर छुप गए थे जिससे कि ये बॉम्ब ड्रॉप नहीं करते। तो गाइस यार अभी और भी थोड़ी बहुत गैसेस हैं जिन्हें हमें और डिस्ट्रॉय करना है। तो गाइस यार जल्दी से सर्च करते हैं। चलो गाइस यार फाइनली पूरी पूरी छत को सर्च करने के बाद मेरे को वो दो बंदे नहीं दिखे हैं, लेकिन भाई इतना पूरा भरोसा है मेरे को कि भाई वो यहाँ पर है। तो गाइस यार आप सामने की तरफ देख ही पा रहे होंगे एक और रास्ता जाता है गाइस यहाँ से। तो गाइस यार ये वाले वाले रास्ते पे अभी हम नहीं गए थे, तो गाइस यार ये वाले वाले रास्ते पे जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बंदे होते हैं या नहीं। अदरवाइज़ यार हमने जो चाहा था वो नहीं हो पाया, तो गाइस यार वो प्रॉफिट अकेले के ही अकेले ही ले जाएगा और ईमैन को कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमारी मेहनत भी वेस्ट जाएगी। तो गाइस यार जल्दी से सर्च करते हैं। फाइनली गाइस हमें रास्ता मिल गया है, आप देख ही पा रहे होंगे ये कंटेनर्स हैं और वो बंदे उस दूसरे कंटेनर से रास्ता जाता है वहाँ पर है भाई। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी प्लानिंग करके रखी थी इनने और भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़े तगड़े पता नहीं यार वेपन्स भी रखे हैं। और लो भाई एक बंदे ने हमें देख लिया है, तो गाइस यार जल्दी से इसको भी मारना पड़ेगा नहीं तो अदरवाइज ये हमें मार देगा। तो गाइस यार मेरे को ये समझ में आ रही कि फायरिंग हो कहाँ रही, ओ भाई लेफ्ट से चपेटा हमें मार रहा है। तू बेटा क्या सोच रहा था, हमें नहीं पता था फ्री फायर के बंदे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी के बंदे हैं। तो गाइस यार ये मर चुका है, अब इसको सामने जाकर ही खेल ख़त्म करना पड़ेगा। तो गाइस यार इसको भी जल्दी पता मार देते हैं। तो ये रही गैस, इसको भी जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करते हैं और दूसरी जगह चलते हैं, उसकी लोकेशन मैंने हमें भेज दी है। तो चलो गाइस यार फाइनली हम उसकी दी गई दूसरी लोकेशन पर भी आ चुके हैं और गाइस यार इन्होंने भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा अड्डा बना के रखा है। तो गाइस यार ये बात सुनने के बाद इससे इतना प्रॉफिट होता है कि भाई बहुत ज़्यादा। तो गाइस यार हम भी ऐसा कुछ काम स्टार्ट करेंगे और आगे वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली हैं, क्योंकि उसमें हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिससे बहुत पैसा होगा। तो गाइस यार अभी फिलहाल इनको मार दिया, और भी बनते हैं इनको भी मारते हैं और जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं। और अगर एक बार ये काम ख़त्म हो गया तो ईमैन को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइस यार जल्दी से इन्हें मारते हैं, कवर ले लेते हैं और एक ट्री के पीछे एक बंदा और आ रहा है, ये भी कैसे करते हैं कितना मौत आया भाई। तो गाइस यार एक कैसे सामने हो गया, लेकिन एक बंदे को ये भी गया और शायद गाइस एक और बंदा पीछे है। तो गाइस यार ये घर की तरफ से आ ही रहा है, जब तक इसका वेट कर लेते हैं आ जाते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली ये भी जाता है, तो इसको भी जल्दी से डिस्ट्रॉय करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस ये देख लो आप, ये गैस को ले जा रहा है, अगर एक भी गैस अगर यहाँ से मिस होकर चले गई तो वो इस जैसी दूसरी बना सकते हैं। तो गाइस यार इसको भी जल्दी से डिस्ट्रॉय करते हैं और जल्दी से कर लेते हैं ईमैन के पास। तो गाइस यार ईमैन का नोट हम पे ऐसे आ चुका है, वो कह रहा है तुम जल्दी से निकल लो वहाँ से। चलो गाइस यार फाइनली सबको मारने के बाद ईमैन का एक प्यारा सा मैसेज आया, वो कह रहा है कि तुम भाई मेरे भाई जैसे हो। तो वो कह रहा है कि गाइस आज की बात उस अगर हम पे भी कोई मुसीबत आती है तो हमें बचाएगा। तो गाइस यार अब हम एक पूरी की पूरी भाई जैसी टीम बन गई है। पहले यार हम उसको ये मानते थे कि वो हमारा बॉस है, वो हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यार अब ऐसा नहीं है। तो गाइस यार अभी फ़िलहाल हम जल्दी से निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस यार आप वहाँ पर जाके जल्दी से देखते हैं क्या सीन है, ईमैन क्या बोलता है।
चलो गाइस यार, फाइनली हम अपने घर पे आ चुके हैं। हमें एक रास्ते में ऐसी गाड़ी मिल गई थी हमारी जैसी, तो हमने ले ली, क्योंकि यार हमारी गाड़ी की बात ही अलग है। तो गाइस यार, अभी बहुत कुछ होने वाला है, हमारा घर बहुत चेंज कराने वाले हैं। उसके लिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल में नहीं हुई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो तो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इससे पहले वाले देखने वीडियो देखने के लिए मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई और तगड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और आगे बहुत कुछ होने वाला है।